आप देख रहे हैं अपना समाचार। जी, मेरा नाम, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का नमस्कार करता हूं। और हमारी मेरा नाम कपिल है और हमारी जो मूवी है रमेश जी के सानिध्य में, उनके गाइडेंस में जो बन रही है, ये एक प्रकार का, और बड़ा अच्छा लगा इस मुहूर्त पे आना। ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है जैसे कि हम लोग देखते हैं, ये एक मनुष्यता, एक मानवता का एक जीता जागता उदाहरण भी है। जब हम इसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये मूवी एक्चुअल में क्या कह रही है। जैसे इसका सीधा नाम है वादा कर ले साजना, तो साजना एक, आप शब्द को छोड़ दें तो वादा कर ले, यानी कि एक वादा है एक सोसाइटी से हर एक व्यक्ति का, उसकी एक जिम्मेवारी बनती है समाज के प्रति। ये उस चीज़ को दिखाती हुई मूवी है और मुझे उम्मीद है कि सभी दर्शक इसको बहुत पसंद करेंगे और ये बहुत अच्छा संदेश भी देगी। देखिए, रामचंद्र यादव जी जो हैं भोजपुरी इंडस्ट्री और मीडिया के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन्होंने कई सिनेमा को मुझे मालूम है लाइव कवर किया है और उनकी शुरुआत को भी देखा, उनके भविष्य को भी देखा है। तो रामचंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रमेश द्विवेदी जो हमारे मित्र भी हैं, भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, साथी भी हैं और बहुत ही अलग किस्म के अभिनेता हैं, ज़बरदस्त अभिनेता हैं। और एक इंसान के भीतर परमात्मा ने कई किस्म के गुण दिए हुए हैं और जब तक एक अभिनेता एक प्रोडक्शन कंपनी के फॉर्मेट में उतर के नहीं आता है तो उसका जो मन, उसकी दिल, उसकी जो आत्मा कहना चाहती है, बोलना चाहती है, वो अंदर से मतलब छटपटाता है और वो जी नहीं पाता है जिसकी तलाश में वो भटक रहा होता है। क्योंकि उसके भीतर एक कहानी भी है, सोच भी है, एक विचारधारा भी है, एक जगत भी है, बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं। तो रमेश द्विवेदी ने वादा कर ली साजना, मतलब जिस मिट्टी से जन्म लिया, जिस जगह से जन्म लिया, जिस कला संस्कृति विरासत और जिस गंगा जमुना सतलज की, मतलब उस पावन विचारधारा को कहानी में पिरो कर, देखिए भोजपुरी फोक इंडस्ट्री है और ज़बरदस्त इंडस्ट्री है, माना जाता है कि 55 करोड़ लोग इस भाषा को समझते हैं, बोलते हैं और उसको सिनेमा देखते हैं रामचंद्र जी। और ये सिनेमा जो है वादा कर ले साजना, मुझे लगता है भोजपुरी जगत में मतलब एक बहुत रिकॉर्ड तोड़ मतलब एक ओपनिंग देगी और ज़बरदस्त ओपनिंग देगी, क्योंकि रमेश द्विवेदी जो हैं वो एक अभिनेता तो है ही हैं और साथ में चूंकि निर्माण में आ चुके हैं। तो मैं तहे दिल से प्रेम कुमार, मैं रेडियो पे प्रोग्राम करता हूँ, बॉलीवुड में एंकरिंग करता हूँ, पॉलिटिकल स्टेज पे भी जाता हूँ, गुरुजी जैसे महान आत्माओं के बीच में भी रहता हूँ और आप जैसे अच्छे भाइयों से भी बातचीत करता हूँ, तो इन तमाम को इकट्ठा करके बस एक ही कहना चाहूँगा कि वादा कर ले साजना, यानी कि हमने वादा कर लिया है अपनी मिट्टी से, अपने गांव से, अपने खेत से, अपने खलिहान से, अपने दोस्त से, अपने साथी से, अपने बहन से, अपनी भाभी से, अपनी माँ से, अपने पूर्वजों से, कि कुछ अच्छा कार्य करते हुए धरती को कुछ नया सौगात, एक नई उपहार देकर हमें जाना है। तो ये जो हिंदी सिनेमा, जो हिंदी सिनेमा कहें, क्योंकि हम तो हिंदी और भोजपुरी को दो अलग सिनेमा समझते नहीं हैं, क्योंकि लोक भाषा है, आप देखेंगे कि हिंदी सिनेमा जहाँ भोजपुरी का टच उठा लेती है वो सुपरहिट हो जाती है। तो इन चीज़ों को आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकारों को, और मैं देखता भी हूँ आप सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं और बड़ा विद्रोही किस्म के आप एक पत्रकार हैं, लिखते हैं कि जिस मिट्टी को आप खाते हैं उसको गरिया नहीं सकते आप, अपशब्द या गलत नहीं कह सकते। कुछ लोग हैं जो पाखंड में है, क्या भोजपुरी है वो यहाँ, लेकिन भोजपुरी डीएम बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं, कमिश्नर बोलते हैं, जज बोलते हैं, बड़े बड़े लोग बोलते हैं। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भोजपुरी में लिखा करते थे, बोला करते थे, एक से एक महापुरुष इस भोजपुरी भाषा में पैदा हुए और उसी में मिट गए और आज उस संस्कारवान हवा को वादा कर ले साजना के रूप में हमारे आदरणीय प्रिय भाई जो हर हर महादेव के बिल्कुल भक्त हैं भगवान शिव के, और ये सावन का महीना भी शुरू हो रहा है और आप जैसे दिग्गज अनुभवी पत्रकार इसको समाज तक लेके जाने वाले हैं, तो वादा कर ले साजना आज इसकी शुरुआत है, शुभ मुहूर्त है और मैं आशा और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ये फिल्म अभी जो प्रियंका गाने वाली हैं, ओम झा जैसे गुणी संगीतकार इसको अपने धुनों से बांधे हुए हैं और प्रियंका एक विस्फोटक गायिका है, मतलब आज तो उसकी मार्केट में सारे गीत हैं और ऐसी गायिका जब इनके साथ में है तो फिर ये सिनेमा मुझे लगता है कि भोजपुरी जगत में एक अपना कीर्तिमान स्थापित करेगी और रमेश जी एक नए रूप में उभर के आएंगे। और मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो है अमृत पुरी की कमी है और वो बिल्कुल आँख से देख देते हैं तो फिर बड़ा खतरनाक हो जाता है। हर हर महादेव। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत सारी शुभकामनाएं अर्पण करता हूं। ये प्रेम जी ने जितनी तारीफ मेरे लिए की है,
यही सेम शब्द मेरे इनके लिए है, क्योंकि खुद भी एक बहुत अच्छा अभिनेता है। अभी शब्दों से तो इन्होंने आपके सामने खेला ही राम जी। और हाँ, मैंने आपके बारे में कहना भूल गया, इसलिए मैं अभी उसको मेंशन करता हूँ कि आपसे बहुत पुराना संबंध है, हमने आपकी जर्नी देखी है और आज आप यहाँ तक पहुँचे, हम और आप लगभग एक ही स्तर से आरंभ किया है। आज आप जो है मीडिया में अपने मुकाम पे और हम भी अब यहाँ पे पहुँचे, तो आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी जो कार्य प्रणाली है उसके जरिए हमारी फिल्म को आप प्रमोट करेंगे, जो एक पत्रकार का फर्ज है। और अभी मेंशन करना चाहूँगा, आजकल भोजपुरी में जो अभी आपने चर्चा की, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर हम ना रहें तो भोजपुरी नहीं, तो थोड़ा सा मतलब बड़ा ये अजीब सा लगता है कि जिस भोजपुरी ने इनको खाने के लिए दिया, जिस भोजपुरी इनको एक पहचान दी, जिस भोजपुरी की वजह से ही इनका नाम मुझे लगता है, तो मतलब संघर्ष, ऐसा संघर्ष इन लोगों ने किया था, मुझे लगता है कि शायद भगवान न करे कि कोई ऐसा संघर्ष करे, और माता रानी कृपा हुई इन सब के ऊपर और आज ये मतलब काफ़ी नाम कमा चुके हैं। तो इनको ऐसे शब्दों से नहीं खेलना चाहिए, लोक भावनाओं से, कि बहुत सारे कलाकार हैं जो मतलब इस इंडस्ट्री में अपना योगदान दे रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर भगवान मौका दे तो आप अपना एफर्ट डालिए 100%, आपको भगवान अगर सफलता देता है तो और विनम्र होइए, कृतज्ञ मत होइए, कृतज्ञ होइए, कि कृतज्ञता के बिना जीवन में कोई मोल नहीं। इन शब्दों के साथ में धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात कही, और जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बेमर्यादित होकर भी मर्यादा का पालन करते हुए अपनी राजपाट को चलाया था, उसी तरीके से रामचंद्र यादव जी बेमर्यादित होकर भी मर्यादा का इस तरीके से पालन करते हैं कि मुझे बड़ी खुशी और गर्व होती है। और एक दशक से हम जिनको जानते हैं और उस जमाने से जानते हैं जब ये मतलब बिल्कुल नई नई मूछें आई थी, और आज देखें थोड़ा सा तो दाढ़ी पक गई है। नहीं तो ये इनकी मतलब शक्ति है, जिस शक्ति से ये लगे हैं, इस लगनशीलता के साथ आप भी एक परचम लहरा रहे हैं और आप भी एक सुपरस्टार हैं। यदि मनोज तिवारी, पवन सिंह और रमेश द्विवेदी अपने जगह स्टार हैं, प्रियंका सिंह अपने जगह स्टार हैं, तो रामचंद्र यादव भी अपने जगह एक बहुत बड़े स्टार हैं। सबको स्टार बनाना चाहिए, हाँ, है ना? बिल्कुल, ये बहुत बड़े स्टार हैं। और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां, बहुत बहुत शुक्रिया, वादा कर ले सर।